अगर आप आधी रात को उठकर पानी पीते हैं तो ऐसा करने से पहले आप शेरे खुदा मुश्किल कुशा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अनहु का फरमान सुन लें, और इस बात की तफसील जानने के लिए हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज से 1400 साल पहले साइंस की कोई वजह मौजूद नहीं थी और ना ही कोई ऐसी मशीनरी थी जिससे एक मिनट में ऐसी मुहल्लिक बीमारियों के बारे में पता लगाया जाता और उनका इलाज किया जाता। कुर्बान जाऊं मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उस वक्त हमें ऐसी ऐसी बीमारियों के बारे में बताया और उन बीमारियों से शिफा हासिल करने का हल भी बताया जिन्हें साइंस आज साबित कर रही है। मेरे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इल्म का ख़जाना है, और आपका इल्म अता हुआ हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। एक मरतबा एक आदमी हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और शिकायत करने लगा कि या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे रात में नींद ठीक तरह से नहीं आती और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे जिस्म में शदीद तकलीफ़ हो रही होती है। बस ये कहना था उस शख्स का तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स से फरमाने लगे कि अगर तुम रात में सो रहे हो और उठकर पानी पीते हो तो ऐसा करना छोड़ दो। तुम रात में उठकर पानी पीते हो तो इस बात से तुम्हारे जिस्म में ऐसी बीमारी पैदा हो सकती है जिसका इलाज नामुमकिन है, और तुम्हारे जिस्म में जो ये दर्द है तकलीफ़ है और तुम रात को ठीक से सो नहीं पाते हो ये उसी वजह से है। उस शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस फरमान पर अमल किया। वो आधी रात को उठकर पानी पीता था, उसने ऐसा करना छोड़ दिया तो उसकी बीमारी ऐसे गायब हुई जैसे कि थी ही नहीं। अल्लाह ताला ने उसे शिफा दे दी और रात में अब सुकून से सोने लगे और उसके जिस्म का दर्द भी गायब हो गया। जो बातें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सालों पहले हमें बता दी आज साइंस उन बातों को मान रही है और कह रही है कि पानी को अगर सही वक्त पर ना पिया जाए तो हमारे जिस्म में ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हमें कोशिश करनी चाहिए कि रात को सोने से पहले पानी ना पिएं, क्योंकि उससे ना सिर्फ हमारी नींद ख़राब होती है बल्कि हमारी सेहत पर भी उसका असर होता है। जब हम रात में सो रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे गुर्दों के काम की रफ्तार बहुत सुस्त पड़ जाती है। इनका काम शुरू हो जाता है जब हम उठकर पानी पीते हैं, तो हम अपने गुर्दों पर यानि किडनीज पर एक भारी भरकम वजन डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे मुंह पर सूजन होती है, हमारा फेस सहेल हो जाता है, जो इस बात की इंडिकेशन दे रहा होता है कि हमारे गुर्दों में अब तकलीफ शुरू हो चुकी है, और आधी रात को पानी पीने की वजह से हमारी नींद भी खराब होती है। नींद पूरी ना होने की वजह से हमारे जिस्म में सुबह दर्द होता है। हमारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर रात में प्यास लगे तो क्या पानी ना पिए? इसका जवाब डॉक्टर्स हमें यूं देते हैं कि दिन भर में अपनी पानी की कमी को पूरा कीजिए, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए, और जो भी इससे ज़्यादा पानी पिए तो ये उसके लिए और भी मुफीद है। लंदन के एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम पानी को उसके सही वक्त पर पीते हैं तो हम 1 महीने में अपना वज़न भी कम कर सकते हैं। जैसे सुबह नहार मुँह 2 गिलास पानी पीने से हमारा जिस्म एक्टिव हो जाता है। खाना खाने से 30 मिनट यानी आधा घंटा पहले अगर हम पानी पी लेते हैं तो हमारा खाना जल्द हजम हो जाता है, और अगर हम सोने से कुछ देर पहले आधा गिलास पानी पी लें तो इससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से बचा जा सकता है। इसके अलावा पानी हमारे ब्लड को पतला करता है, हमारी स्किन को रिफ्रेश करता है, हमारे गुर्दों को भी साफ करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनके सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम के सुन्नतों और उनकी बताई गई बातों पर अमल करना चाहिए। इससे हम बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों से बच सकते हैं।
हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स जब हम देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, और आप हमारी इस मालूमाती वीडियो को दूसरे दोस्तों अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी ये बात बताइए। जज़ाकअल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसको सदक़े जारिया के तौर पर अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा पेज प्यारा इस्लाम लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक करके फॉलो कर दीजिए, और साथ साथ हमारे YouTube चैनल प्यारा इस्लाम को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसी मजीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। जज़ाकअल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।